हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हमारे पास में लेनोवो आइडिया पैड का एक गेमिंग लैपटॉप आया है। यह लैपटॉप बहुत ही अच्छा लैपटॉप होता है और यह ज्यादा पुराना लैपटॉप भी नहीं है, यह एक गेमिंग लैपटॉप है। अब हम इस लैपटॉप को ऑन एन करेंगे और ऑन करने के बाद में आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या समस्या आ रही है। इस लैपटॉप के बारे में कस्टमर ने हमें बताया है कि इसके कीबोर्ड की कुछ कीज काम कर रही है और कुछ कीज काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम इस लैपटॉप के कीबोर्ड को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसकी कौन सी की काम कर रही है और कौन सी की काम नहीं कर रही है। अगर इस लैपटॉप का कीबोर्ड सर्विस में रिपेयर हो सकता है तो उसको सर्विस मेरी रिपेयर करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हमें कीबोर्ड को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। अब हम इस लैपटॉप को खोलेंगे और खोलने के बाद में इसके कीबोर्ड का जो कनेक्टर होता है, जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, उसको हटाकर दोबारा लगाएंगे। लगाने से पहले उसको अच्छे से साफ करेंगे और अच्छे से साफ करने के बाद में दोबारा लगाएंगे। अगर कनेक्टर को दोबारा लगाने से कीबोर्ड चल जाता है तो हमें कीबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कीबोर्ड नहीं चलता है और या उसकी कुछ कीस नहीं चलती है तो फिर हमें पूरा कीबोर्ड ही बदलना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो सहायक लगती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसे टेक से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स के लिए जुड़े रह सकें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो कंप्यूटर की समस्या से जूझ रहे हैं। हम कंप्यूटर की समस्या को कुछ ही समय में दूर करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो सहायक लगती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे टेक से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स के लिए जुड़े रह सके। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो कंप्यूटर की समस्या से जूझ रहे हैं। हम कंप्यूटर की समस्या को कुछ ही समय में दूर करते हैं।